हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड एवरग्रीन स्टॉक्स की सीरीज में ये है अब तीसरा स्टॉक। ये है डी मार्ट, एवेन्यू सुपर मार्ट्स के नाम से भी ये लोग इसको जानते हैं, मार्केट में रजिस्टर्ड है। तो ये जो स्टॉक है पर्टिकुलरली आई थिंक निफ्टी 50 का पार्ट नहीं है, बट इस स्टॉक के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो शायद आप नहीं जानते हों। इसका बिजनेस जो है सिमिलरली बिग बाजार की तरह ही काम करता है, बट इसका बिजनेस मॉडल के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि बिग बाजार से भी ज़्यादा बेहतर है इसका बिजनेस मॉडल। बिकॉज जो भी स्टोर ये ओपन करते हैं वो ये रेंट पे नहीं लेते हैं, उसको ज़मीन को परचेज कर लेते हैं, प्लस जितनी भी लॉजिस्टिक्स है यानी कि कुछ भी सामान सपोज इन्होंने एक पर्टिकुलर एक मैन्युफैक्चरर से खरीदा एंड उसको ये अपने स्टोर पे लेकर आएंगे, तो वो जो लॉजिस्टिक्स पार्ट है, ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है, वो इनका खुद का है। यानी कि बिग बाजार जो है रेंट पे करता है हर महीना हर एक स्टोर का, मैक्सिमम स्टोर्स का जो उनके हैं ऑल ओवर इंडिया, प्लस सामान लाने ले जाने की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो उसको बियर करता है, यानी कि थर्ड पार्टी उसकी जो है हैंडल करती है ट्रांसपोर्टेशन नीड्स। बट डी मार्ट की जो ट्रांसपोर्टेशन है खुद की है, ज़मीन हर एक स्टोर की अपनी है। तो ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो एक्सपेंसेस होते हैं टूवर्ड्स रनिंग द बिजनेस वो बहुत ही कम हो जाते हैं। वन टाइम डेफिनेटली येस ज़्यादा होते हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज इनको रेंट पे नहीं करना। एंड इतना बड़ा बड़ा स्टोर जो खुलता है, मॉल में खुलता है या इंडिविजुअल खुलता है, तो इतना रेंट अगर मंथली सेव होता है तो डेफिनेटली वो फायदे की चीज़ है, बिकॉज खरीदी हुई ज़मीन एक एसेट में कन्वर्ट हो जाती है। बट रेंटेड जो है वो हमेशा रेंट पेएबल करने पर ही आपके पास रहती है, तो वो एसेट आपका कभी भी नहीं होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब हम चेक करेंगे। सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कंपनी के ऊपर कोई लोन नहीं है, ज़मीन खुद से खरीदी हुई है फिर भी कोई लोन नहीं है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने स्टोर बनाया, उससे प्रॉफिट निकाला, उस प्रॉफिट से सेकंड स्टोर की ज़मीन खरीदी, फिर वहाँ पे स्टोर बनाया। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि ये लोन लेके अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, ये प्रैक्टिकली सारा का सारा पैसा अपने बिजनेस से ही जनरेट कर रहे हैं, उसी के थ्रू बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं। अब इसके बावजूद इनकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है जो मैंने बजाज फाइनेंस में आपको दिखाई थी 40% ईयर ऑन ईयर, यानी हर साल इनका जो प्रॉफिट है 40% इंक्रीज हो जाता है। एंड इनके जो है मोर देन ऑलरेडी 20-25 स्टोर्स डेफिनेटली हैं, क्योंकि मैं बॉम्बे रहा हूँ कुछ टाइम, मैंने वहाँ पे देखे हैं जगह जगह पे। आपको जैसे दूसरी सिटीज़ में आपको स्पेंसर मिलता होगा या बिग बाजार मिलेगा, ये फॉरेन में वॉलमार्ट होता है, तो बॉम्बे शहर के अंदर जगह जगह पर डी मार्ट मिलता है एंड उसकी जगह कई और जगहों पर ये डी मार्ट का जो स्टोर है वो है। अब आप ये देखिए कि अपने जो सेगमेंट है उसमें एवेन्यू सुपरमार्ट नंबर वन सीरियल नंबर पे आ रहा है, यानी ये जितने भी पैरामीटर्स हैं अगर हम इनको एवरेज आउट करें कंपेयर करें तो इन सब के बाद ये नंबर वन पे आ रहा है। फ्यूचर रिटेल यानी बिग बाजार की जो चेन है उसकी मार्केट कैप आप देखिए, नंबर ऑफ स्टोर्स बिग बाजार के जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तभी भी स्टॉक मार्केट में इनकी जो होल्डिंग है, कह लीजिए मार्केट कैपिटल है, वो खाली 19,000 करोड़ है। बट डी मार्ट जो कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ 2-3 साल पहले ही रजिस्टर हुआ है, ऑलरेडी 1,25,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, विच इज़ सिमिलर टू बजाज फाइनेंस, करेक्ट। तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो बिजनेस है कितना डेप्थ में फैला हुआ है, कितना कोर एसेट्स इसके पास हैं ऑलरेडी, इसी की वजह से इसकी जो कैपिटलाइजेशन है वो इतनी ज़्यादा है। अब इसके रिजल्ट देखते हैं, क्योंकि ये रिसेंटली मार्केट में लिस्ट हुआ है तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, बट सारे के सारे फिगर पॉजिटिव हैं, कंसिस्टेंट या इंक्रीजिंग जो है हम बोल सकते हैं। यहाँ पे नेट प्रॉफिट में देखते हैं कि कंसिस्टेंट हैं प्रॉफिट्स या इंक्रीजिंग है, जल्दी से डिक्रीज नहीं हो रहे, ऑलमोस्ट सिमिलर है, लाइक 250 एंड 220, अगेन 250 एंड 200 मोर ऑर लेस, बट दे आर पॉजिटिव। ये आप ईयर ऑन ईयर जो मार्केट में लिस्ट होने से पहले की भी इनकी जो डेटा हम अचीव कर पाए हैं, तो नेट प्रॉफिट आप यहाँ देख लो हर साल ऑलमोस्ट इंक्रीजिंग है, यानी ये जो है क्वार्टरली था तो इसलिए अप एंड डाउन आ रहा था, बट ईयर ऑन ईयर अगर हम देख रहे हैं तो हर साल इंक्रीजिंग है। 2012 में जहाँ पे खाली 60 करोड़ था, आज उसके 10 गुना से भी ज़्यादा विद इन अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स जो है कंपनी ने 10 गुना से ज़्यादा प्रॉफिट लिया। एंड आप देखिए ये करोड़ में है, यानी कि
60 करोड़ भी हम बोले तो कम नहीं होता, पर आज ये जो है 1000 करोड़ के पार निकल चुका है एंड दिस इज ओनली द प्रॉफिट। तो ये चीज़ हमको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना फास्ट एक्सपेंशन इसने किया है, बिकॉज इतने सारे स्टोर्स का प्रॉफिट आता है तो बहुत ईजी हो जाता है लैंड एक्वायर करके स्टोर बिल्ड करना, एंड देन वो स्टोर भी जो है इमिडिएटली प्रॉफिट में आ जाता है कुछ ही टाइम में, बिकॉज ज़मीन अपनी है, रेंट पे नहीं करना, खाली इलेक्ट्रिसिटी बिल, मे बी सम वाटर बिल, कमर्शियल वाटर बिल, मेंटेनेंस एंड ऑल दैट, एंड सैलरी की जो एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है दैट। तो आफ्टर दैट दे आर अगेन इन टू नेट प्रॉफिट, एंड इनके स्टोर्स जो हैं बहुत ही ह्यूज होते हैं, दे कवर ऑल द सेगमेंट्स पॉसिबल। मतलब अगर आप डीमार्ट में जाओगे तो यू कैन गेट एवरीथिंग अंडर वन स्टोर। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज कि जितना परसेंटेज डिस्काउंट एक नॉर्मल कस्टमर को ये प्रोवाइड करते हैं, बिग बाजार भी उतना प्रॉफिट नहीं कर पाता, मतलब उतना डिस्काउंट आपके लिए नहीं दे पाता। द रीजन इज सेम, यहाँ पे इनकी जमीन अपनी है, ट्रांसपोर्टेशन अपनी है, पर बिग बाजार में ये सब थर्ड पार्टी के पास है, तो जितना डिस्काउंट डीमार्ट आपको दे पाता है सेम प्रोडक्ट पे, बिग बाजार उतना नहीं दे पाता है। ऑफकोर्स अगर आप बॉम्बे में नहीं रहते हो तो आप शायद इसको प्रैक्टिकली वेरीफाई नहीं कर पाओगे, बट बिकॉज आई हैव डन इट पर्सनली सो आई नो कि आप अगर चाहें तो आप एक छोटी दुकान खोल के डीमार्ट से परचेज भी कर सकते हो और उसको एमआरपी पे बेच सकते हो, एंड यू विल बी गेटिंग अ वेरी हैंडसम प्रॉफिट ऑन योर सेल एंड परचेज। तो आप समझ सकते हो कि ये बेसिकली होलसेल रेट पे रिटेलर्स को बेच रहे हैं, करेक्ट। अब और नीचे आते हैं बैलेंस शीट, अगेन 7 ईयर्स का डेटा है, 1000 करोड़ के इसके पास एसेट थे, वो आज ऑलरेडी 7 to 8 times हो चुके हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। तो सबसे सिंपल चीज है देखने के लिए कि किस हिसाब से इनके एसेट्स इंक्रीज हुए हैं, दैट मीन्स जितने भी स्टोर इन्होंने लिए हैं या जो भी बातें मैंने आपको बताई वो यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर हम लोग वेरीफाई कर पा रहे हैं, करेक्ट। अब हम नीचे चलते हैं, कैश फ्लोस बीच में कुछ टाइम नेगेटिव थे, अगेन नेगेटिव जब होते हैं कि पहले आपके पास एक सरप्लस हो, आप उसको री इन्वेस्ट कर देते हो कंपनी को एक्सपैंड करने में, तो फर्दर ये जो है नेगेटिव हो जाते हैं, या अगर आप कोई लोन ले लेते हो तो अगेन आप लोन लेते हो ताकि आप अपनी कंपनी को एक्सपैंड कर पाओ, करेक्ट। तो इस वजह से हाथ में कैश नहीं बचता है, बिकॉज आप लोन लेते हो फिर ईएमआई चुकाते हो एंड जो भी वो इनडेप्थ प्रोसीजर्स हैं, बट यहाँ से कंपनी ने सब रिकवर किया है एंड अगेन पॉजिटिव आ गई है, सो दिस इज वेरी गुड। एक चीज़ और मैं जो बताना चाहूँगा, ये फिगर यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी कि ये इन्होंने मार्केट से लोन लिया है, किसी भी पर्टिकुलर बैंक से इन्होंने लोन लिया है, इस वजह से इनके कैश फ्लो जो है यहाँ पे नेगेटिव है, करेक्ट। ये सारे फिगर पॉजिटिव है, बट अब आप ये देखो 2018 मार्च में दिखाया गया कि करीब करीब 1100 करोड़ का लोन इन्होंने चुका दिया है, करेक्ट। तो जैसे प्री पेमेंट के टर्म्स होते हैं लोन चुकाने के, तो ये छोटे छोटे फिगर है, 100 करोड़ 100 करोड़, 60 करोड़, 200 करोड़ 200, 2000, बट यहाँ पर एक बल्क में एक पेमेंट जो है लोन इन्होंने चुका दिया है, जिसकी वजह से हाथ में कैश बच गया है। देन अगेन छोटा मोटा लोन लेके दे आर अगेन जस्ट इन्वेस्टिंग एंड एक्सपेंडिंग, करेक्ट। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एंड इसी वजह से यहाँ लिखा हुआ था कंपनी इज वर्चुअली डेट फ्री, मतलब इसके ऊपर लोन जो है वो बहुत ही कम है, ना के बराबर है, तो इनकी कोई बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज नहीं है टुवर्ड्स द बैंक्स या इस तरीके से, ठीक है। अभी भी यहाँ पे जो है सेल्स का 10 ईयर्स का आना बाकी है, बिकॉज 7 ईयर्स का डेटा ही यहाँ पर अभी हुआ है, बट अगेन 5 ईयर्स में जो है 33% की इनकी सेल्स ग्रोथ कंसिस्टेंटली आ रही है, एंड प्रॉफिट जो है 40% 5 ईयर्स में, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब क्योंकि डीमार्ट रिसेंटली मार्केट में लिस्ट हुआ है, तो कहाँ पे हम इसको परचेज करें, ये चीज़ को हम कैसे समझें, तो एक मिनट वो मैं आपको दिखाता हूँ। डीमार्ट, ओके, दिस इज डीमार्ट ओनली, करेक्ट। तो ये देखिए, इसका ज़्यादा कोई डेटा नहीं है, 2017 में ये लिस्ट हुआ है, एंड अभी बस समझ लीजिए 2 साल का ही यहाँ पर ग्राफ है। सिंपली करना वही है कि जिस पॉइंट पे 200 मूविंग एवरेज को टच कर दे, वहाँ से आप इसको 20% टारगेट के लिए खरीद लो। जैसे यहाँ पे टच हुआ था, ये है 26 सितंबर, करेक्ट, 2018, प्राइस यहाँ पे मिल रहा है 1400, तो हमको 280 रुपये चाहिए, विच इज़ 1680, करेक्ट, और ये 1700 रुपये यहाँ पर ऑलमोस्ट राइट साइड में प्राइस आ रहा है, एंड दिस इज़ 21st ऑफ दिसंबर,
3 साढ़े 3 महीना कह सकता हूँ मैं कि सेफली हमको हमारा 20% मिल गया। सेकंड, अगर आप यहाँ पे ख़रीदते बिकॉज यहाँ ये 200 के नीचे चला गया एक ही दिन में, तो अगेन 1450 1500 की रेंज में आपको मिलता। आज ऑलरेडी 1900 रुपये चल रहा है, तो अगेन आई वुड से 8 मंथ्स आई गेस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज़ 10th of January एंड ये टारगेट हमारा यहीं पर ऑलरेडी अचीव हो गया बिकॉज 1450, तो हमको 1700 के आसपास इसका जो है प्राइस मिल जाएगा, 1700 1750, तो दिस इज़ सितंबर। तो 8 मंथ्स के अंदर ही यहाँ पर हमारा 20% आ गया, तो बहुत ही इजीली आपको इसके अंदर जो है 20% के टारगेट्स मिलेंगे। बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है, इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही स्ट्रांग है, इनके स्टोर्स के अंदर पर्सनली मैंने विजिट किया है, तो आप इसको कॉन्फिडेंस रखें एंड परचेज करें टाइम टू टाइम। बहुत ही ईजिली आप अपने पोर्टफोलियो में इसको रखेंगे तो डेफिनेटली आप इसके अंदर शॉर्ट टाइम में प्रॉफिट्स को कमा पाएंगे। एंड आई रियली वुड से जो भी 3 स्टॉक्स मैंने आपको बताए, सबसे स्ट्रांग अभी तक मैं बोलूँगा डीमार्ट है, बिकॉज ये एक पर्टिकुलर स्टॉक ऐसा है जिसके स्टोर मैंने विजिट करे हैं, जिनके डिस्काउंट्स मैंने देखे हैं, स्कीम्स मैंने देखी हैं, एंड इट्स फिनोमिनल, क्योंकि ये जो है कुछ भी रेंट नहीं पे कर रहे हैं इस तरीके से, सो इट इज़ वेरी फिनोमिनल। सब कुछ अपने पैसे से ही कर रहे हैं, तो देखिए जब आप अपने पैसे से करते हैं तो उस चीज़ की आप वैल्यू भी ज़्यादा करते हैं, बिकॉज लोन में जब आप करते हैं तो एक ये होता है कि लोन डिफॉल्ट हो जाता है, तो आपको एक ये रहता है कि चलो दूसरे का पैसा डूबा, बट इनका सारा पैसा खुद का ही लगाया हुआ है, सो इट इज़ फिनोमिनल जिस तरीके से ये बिजनेस को रन कर रहे हैं, सो डेफिनेटली गो फॉर इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप योर टारगेट्स एंड स्टॉप लॉसेस टाइट, ट्रेड राइट, बाय बाय।